हमको तो 6 जगह बहुत अच्छी दिख रही है आज की तारीख में। ज़्यादा झूठ बोलना नहीं चाहते, ज़्यादा झूठ बोलना नहीं चाहते, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। सिर पर डंडे मारने और चीन भेजने जैसे विवादित बयान से सियासी बवाल के बाद एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफॉल्टर कहा है और उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इसकी गारंटी फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। जाहिर है पिछले दिए बयान से ही भाजपा कांग्रेस के बीच तलवारें खींची हैं। ऐसे में उनके इस नए बयान के बाद एक बार फिर दोनों पार्टियों के बीच घमासान मच सकता है। डॉक्टर महंत का दावा है कि छत्तीसगढ़ की जनता पीएम मोदी को डिफॉल्टर मानती है, इसलिए वो डिफॉल्टर के बारे में बात नहीं करेंगे। बकौल डॉक्टर महंत, नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से कोई भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए हैं। फिर वो रोजगार देने की बात हो या लोगों को 15 लाख रुपए देने की, पीएम मोदी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, इसकी गारंटी फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। तो डिफॉल्टर आदमी से अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं। आपकी बात, छत्तीसगढ़ में अब कितनी सीटें आई? हमको तो 6 जगह बहुत अच्छी दिख रही है आज की तारीख में। ज़्यादा झूठ बोलना नहीं चाहते, हम लोग भाजपा की तरह 11-11 सीट कहेंगे नहीं, मगर 5-6 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, ये हमको लग रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है 10 हो जाए, 9 हो जाए, ये आने वाले समय में। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि महंत के इस बयान के बाद बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जब महंत ने इससे पहले लाठी मारने की बात कही थी तब पूरी भाजपा एक साथ इस बयान के खिलाफ खड़ी हो गई थी। भाजपा के सभी नेता ने एक नारा दिया था, मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मार। लेकिन अब महंत ने मोदी को डिफॉल्टर कह दिया है। तो इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।